नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैवल फ्रीक में। भारत और नेपाल में बिगड़ते रिश्तों के बीच एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, जिसमें यह पता चला है कि ICF में मैन्युफैक्चर्ड 2 DMU ट्रेन्स को नेपाल को दिया जा चुका है। हालांकि ये ट्रेन्स अभी ऑपरेशनल नहीं है। नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच 35 किलोमीटर की नई रेल लाइन को बिछाया जा चुका है, जिसके ऊपर इन ट्रेन्स को सही डेट आने पर चलाया जाएगा। ये DMU ट्रेन्स 100% इंडियन और मेड इन इंडिया है। बात करें इस ट्रेन में लगे इंजन की, तो इसमें क्यूमेंस कंपनी का इंजन है, जो श्रीलंकन एक्सपोर्टेड DMU ट्रेन्स में भी लगा हुआ था। इन इंजन्स का रेटेड आउटपुट पावर 1800 हॉर्स पावर का है और ये भी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, और इनकी कैपेसिटी अराउंड 300 पैसेंजर्स को ढोने की है। बात करें इस ट्रेन के मैक्सिमम स्पीड की, तो इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स की रहने वाली है। 2 जनरल, 1 AC और 2 पावर कार्स के साथ इस ट्रेन का पूरा कंपोजिशन होगा, और इन ट्रेन्स की डिलीवरी को नेपाल के झंडे के रंग में रखा जाएगा। नेपाल के विकास में भारत का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है, और नेपाल आज पूरे विश्व में जो भी है उसमें भारत का अच्छा खासा हाथ है। लेकिन कुछ पड़ोसी देशों के कारण नेपाल और भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के ऊपर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।